दोनों के बीच में ग्रीन मैन. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर जेटी अम्ला फॉर वन ईयर कंप्लीशन. नेशंस कांग्रेचुलेशंस. इट्स स्टिल पीपल लव द सॉन्ग. और एक साल बाद पूरी टीम मिल रही है. क्या कहना चाहेंगे सॉन्ग के लिए? क्या जर्नी था एंड व्हाट वाज द मेमोरीज यू गाइस हैव? बहुत ही मैजिकल सॉन्ग है यार. आज नो डाउट लोग आज भी सुन रहे हैं, आज भी पसंद आ रहा है. मैं खुद सुनता रहता हूँ कई बार रिपीट मोड पे. तो हाँ, गाना बहुत अच्छा है और मेमोरीज ऑफ कोर्स बहुत प्यारा गाना है. आप लोगों ने देखा ही है, उसको शूट करने में इतना मज़ा आया था. इतनी प्यारी टीम थी, इतने हार्ड वर्किंग पीपल थे, तो वो मिले हैं आज तो वही चीज़ें याद आती रहती हैं. बहुत अमेजिंग जर्नी रही अभी तक जेटी अम्ला वन ईयर. ऐसा लग रहा है कल की बात है कि हमने शूट किया था यू नो सॉन्ग चंडीगढ़ के अंदर. ऐसे हंस एक्चुअली ऐसा फील मुझे फील हो रहा है कि कल की बात है. एक साल कैसे निकल गए पता नहीं चला. एक्चुअली एक साल कैसे निकल गए पता नहीं चला. बहुत अच्छा था, टीम बहुत अमेजिंग है एंड बहुत मस्ती थी, फन था. जो सॉन्ग के अंदर वो दिख रहा था वो वाइब और बहुत मज़ा आया. बहुत देसी टाइप का गाना था तो आज तक कनेक्टेड है, क्योंकि सबने अपने अंदर का देसी बना निकाला. मैंने इन्होंने अपने अंदर की पंजाबन निकाली, इन्होंने अपने अंदर का क्रिएटर निकाला. सब खुश हैं. वो तीनों ने सबने इतनी अच्छी मेहनत की, सब जो आउटकम आया बहुत प्यारा आया. तो इसलिए आज भी कनेक्टेड है दिल से और हम लोग वैसे भी कनेक्टेड है. बट एक साल पहले का माहौल अगर बात की जाए, हमें एक कोविड का भी माहौल चल रहा था, उस बीच में हम लोग शूट भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बैकअप का माइंड डर भी था कि क्या प्रिकॉशंस एंड ऑल, एंड फिर साथ ही साथ काम भी करना है, एक अपना बेस्ट देना है. तो वॉज दैट इन योर माइंड एज वेल? ऑफ कोर्स एज बिंग आर्टिस्ट हमारे दिमाग में तो था ही, बट सबसे ज़्यादा टेंशन तो इनको थी क्योंकि इनको पूरी यूनिट संभालनी थी. हम तो चलो अपना अपना ध्यान सब रख रहे थे, बट थैंक्स टू हिम जिन्होंने संभाला सबको. और हम लोग मेन कोविड शुरू होने से पहले खाना ख़त्म कर चुके थे, तो हाँ देट वॉज द सेफेस्ट पार्ट, जो हम लोग थोड़े से सेफ थे. बताया कि कोविड का टाइम था, सेकेंड टाइम हो रहा था उसमें लॉकडाउन, और हमारा जो क्रू था वो बहुत लिमिटेशन क्रू था हमारा, बहुत छोटा सा क्रू हमने लेके शूट किया था. और काफ़ी बाउंडेशन थी चंडीगढ़ में, पंजाब में शूट करते टाइम के कुछ कुछ चीज़ों में बाउंडेशन थी, लेकिन उसमें अपना क्रिएटिव पार्ट को भी निकालना है, शूट भी करना है, और लिमिटेशन भी थोड़ी बहुत थी, कम थी ज़्यादा थी इस तरह से. तो काफ़ी, और हाँ उस समय वेदर भी आई थिंक मेरे ख्याल से आपको याद है, हम लोग का वेदर भी हम लोग का साथ नहीं दे रहा था. बारिश का मौसम थोड़ा बन रहा था, थोड़ा जा रहा था, और हम लोग का पूरा डे शूट था, सब आउटडोर था टोटली आउटडोर था. हाँ मुझे याद आया आज भी कि वेदर ने हमारा थोड़ा बहुत साथ दे रहा था, नहीं दे रहा था, तो उस समय से बहुत चैलेंजिंग पार्ट हो गया था. Was it tough, Manish, first of all for you, was it tough to drive a tractor? Or somehow ज़्यादा तकलीफ थी बैठने में, ये tractor was, ride was so easy for you? नहीं, not driving was not a part, वो तो बहुत easy था, पर जस्ट यू आर जस्ट गोइंग टूवर्ड्स द कैमरा, और आपको हाथ में ना सिर्फ एक हाथ में ये है और एक हाथ में चला रहे हो, आप स्वैग मार रहे हो, और अगर उसने कैमरा मैन ने सही टाइम पे अगर उसको नहीं उसको ऊपर सही बढ़ा तो पता नहीं आप कहाँ जा रहे हो फिर काम. मेरे लिए तो बहुत इजी था, मुझे तो बस ऐसे हाथ देना था मनीष को, मैं चढ़ गई आराम से. मनीष के लिए डिफिकल्ट था क्योंकि उसको चलाना भी था, मुझे पकड़ के बैठाना भी था, मुझे भी करनी थी. मुझे भी करनी थी. बहुत बहुत सो फॉर मी इट वाज इजी. एक लाइन दी गई थी, बस ये लाइन पे मनीष इस लाइन पे मुझे आपको लेके आ रहा है. वो ट्रैक्टर था उस टाइम पे, मैंने एक दो ट्रायल भी दिया था बिकॉज़ उनको टाइमिंग मिला था अपना चलाने का. वो एक्चुअली पुराना ट्रैक्टर था, आजकल वाला नया नहीं ना, वो पुराना था तो उल्टा अपने रास्तों से भटक गया था. तो हम लोग ने कई बार वो टेक भी लिए, 8 से 10 टेक लिए. बस आप तीनों से ही जानना चाहूंगा, व्हाट द बेस्ट थिंग, वन थिंग यू लाइक अबाउट द सॉन्ग मोस्ट? फॉर मी वी गॉट टू नो ईच अदर एंड ऑफ कोर्स इतना प्यारा खूबसूरत गाना है जिसका हम हिस्सा बने. आई थिंक फॉर मी द सॉन्ग इज़ सो ब्यूटिफुल, मुझे सॉन्ग सुन के बहुत अच्छा लगा एंड द पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी हुई. तो कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात हो गई एंड होल कॉन्सेप्ट ऑफ जट अम्ला बहुत ही अच्छा था. डांसिंग जो स्टोरी टेलिंग थी बहुत अच्छा था. चंडीगढ़ में शूट करना, सो ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज, ब्लॉकबस्टर जैसे सॉन्ग होता ना वैसा फील है. वेस्टर्न और पॉप सॉन्ग मैंने बहुत किया. मेरा वो पहला देसी सॉन्ग था जिसमें मैंने पूरे पंजाब में गेहूँ के खेतों में पूरा एक देसी पना लाया था सॉन्ग में. तो मेरे लिए वो पहला शॉट था, वो पहला शूट था जो मैंने फुल देसी एक जट और एक कमली को उतारा था. और बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन हुआ था, मुझे भी
पंजाब में जाके इतना प्यारा शूट होकर निकल गया है कि मुझे भी नहीं पता था, और एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा हुआ। सर फैंस से बहुत काफ़ी तारीफें मिली हैं, और साथ ही साथ बहुत फैंसों से इनकी यू गाइस रिमाइंड ऑफ देम टू बी जरा शाहरुख एंड प्रीति जिंटा फॉर अ सॉन्ग, सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? थैंक यू फॉर इट्स अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट हां कंपेयरिंग दिस आर जोड़ी टू वी ज़ारा, अमेजिंग अमेजिंग। बट जो सॉन्ग का पिक्चराइजेशन बिग कॉम जी ऑफ कोर्स वो बहुत मदद होती है हां कि जिस तरह से विजन होता है डायरेक्टर का, किस तरह से पोर्ट्रे करना है, एंड विदाउट हिज विजन पॉसिबल नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। जिस तरह आउटडोर जो भी देसी आउटडोर खेतों का और ये जो कुछ भी था वो देखा जाए तो हां वी ज़ारा टाइप की है वही पंजाब। एक्चुअली वो सॉन्ग में आप देखा जाए तो हमारे जो इंडिया जो देश का जो फ्लेवर है, एक हमारा देश जो हमारा वो जमीन से जुड़ा हुआ है, और जमीन से जुड़ा हुआ यानी कि वो जट मैंने जो इनका कैरेक्टर था वो जमीन से जुड़ा हुआ। आपने अगर देखा होगा तो पूरे गाने में वो गेहूँ के खेतों में है, ट्रैक्टर चला रहा है, वो लस्सी पीता है अपना, वो जट टाइप का जैसे रहता है, वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी और मेहनती किसान है। अब जो लड़की है वो थोड़ा बाहर से NRI पास आउट है, वो बाहर से आई है, तो उस तरह से भी मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया उस सॉन्ग में, बस ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैंने कहा। अमित सर कहीं ना कहीं इट वॉज मोर डोंट यू थिंक इट इज मोर चैलेंजिंग, जहाँ एक दौर चल रहा था अभी भी दौर चल रहा है जहाँ रैप बादशाह और हनी सिंह के गानों का उस बीच में इस जट यमला जैसा एक फ्लेवर फोक फ्लेवर सॉन्ग, वॉज इट मोर डू यू फील इट और मार्केट में काफी ऐसे सॉन्ग थे, तो मेरे लिए जब ये सॉन्ग आया तो हाँ डिफिकल्ट था, बिकॉज उस टाइम पे जब हमारे रिलीज हुआ उस टाइम पे आगे पीछे काफी ऐसे क्लब और पैपी नंबर सॉन्ग रिलीज हुए थे, तो एक ये अलग हटकर के सॉन्ग था जो मुझे लगा था कि हाँ ये काफ़ी एक अलग अटी कॉन्सेप्ट भी है, सॉन्ग भी है, और जिस तरह से आलिया खान जी जिन्होंने गाना गाया है, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके से सॉन्ग को गाया, इस तरीके से उन्होंने कितना पैकी नंबर बनाया कि अभी तक लोगों की जबान पे है, आज भी मुझे वो मैसेज आते हैं और आज भी उस वीडियो के लिए बहुत प्यार मिलता है। आई थिंक इवनिंग का टाइम मुझे अभी भी याद है, लाइक या सनसेट के टाइम पे हम वहाँ पे थे और चाय पी रहे थे, वो पूरा खेत दिख रहा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अमेजिंग था, इतनी शांति थी, पीसफुल, इट वॉज रियली पीसफुल, एंड जब देखो जहाँ तक देखो करते थे ना चॉकलेट क्या समथिंग गुड़ की चाय, हाँ गुड़ की चाय, गुड़ की चाय कुल्लड़ में, गुड़ की चाय, गुड़ की चाय मुझे याद है, सुबह सुबह जाते वक्त भी और आते वक्त भी एक वहाँ बीच में हम लोग रुकते थे एक जगह पर। हाँ तो फार्म्स के बारे में यार सबसे खूबसूरत चीज़ तो ये है कि आप जितना अपने ज़मीन से जुड़े रहो वो उतना अच्छा है, एंड नॉट बैड पार्ट, इट्स जस्ट है साथ में जो होता ही आप पता ही है, उसमें जब धान कटती है कुछ होता है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक वो चीज़ है जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, बट बाकी फार्म्स लवली, जब जितना वक्त गुजारो उसमें उतना अच्छा है। और ट्रैक्टर चलाना मतलब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ फार्म ही फार्म है, और आपको ट्रैक्टर दे दिया जिसमें ब्रेक का पता नहीं क्या होता है, उसको बंद ही करना पड़ता है, तो वो जहाँ तक जा रहा है चलने दो, तो अच्छा पार्ट था। पूरे फॉर्म में थे मनीष जी, मैंने देखा वो पूरा कैरेक्टर उठ गया था एक दिन पहले जब सॉन्ग की शुरुआत हो गई थी, उस टाइम मुझे याद है अच्छे से, तो मैंने इनको बस सॉन्ग सुनाया और इन्होंने खुद सजेस्ट किया था, एक बहुत अच्छे कलाकार की निशानी होती कि वो इम्प्रोवाइज करता है काफ़ी सब्जेक्ट पे कि सर मैं कुछ ऐसा करूँ तो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा करूँ तो ऐसा होता है, और अक्सर मैंने अपने शूट में जो आर्टिस्ट होते हैं उनको छूट देता हूँ कि हो सकता है उनसे कुछ अच्छा निकल जाए, और होता है मोस्ट प्रॉब्ली हमेशा हर शूट में मेरे साथ ऐसा होता है, और जब मैं छूट देता हूँ तो बहुत अच्छा निकल के आता है। मैं संभल डायरेक्टर हूं जी, तो मैंने तो काफ़ी कुछ इम्प्रोवाइज भी किया था इन्होंने अपने तरीके से, जो गाने में आप देखोगे तो बहुत अच्छा शॉट हो गया उसमें, और मुझे बहुत अच्छा लगा था इम्प्रोवाइज से। 7 से 1 वीक पहले मैंने इनसे, वो 10 दिन पहले जो मैंने बोला था थोड़ा सा मेरा जेट वाला लुक रहेगा, बियर्ड रहेगा, दाढ़ी रहेगी, है ना, थोड़ा सा उसको ग्रूमिंग बना के रखना, तो उन्होंने ग्रूमिंग किया अपने आप को। बट डू यू फील अपार्ट फ्रॉम जेट यमला एनी अदर सॉन्ग यू फील कि यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ द टीम, और उनको सभा और मनीष को लेके आप कोई एक ऐसा गाना आपके जहन में कि ये गाने में ये दोनों होने चाहिए लाइव, एनी एनीथिंग?
मतलब मेरे अपकमिंग सॉन्ग मे बी अपकमिंग और मे बी समथिंग यू हैव इन माइंड कि यार इस सॉन्ग में किस टाइप के गाने में किस टाइप के गाने में अभी जैसे कि अभी मैंने एक जटी अमला में मैंने एक लव स्टोरी क्रिएट की है अभी मैं कुछ और भी मेरे चल रहा है मेरे प्लान में बिकॉज क्या है कि अभी लव स्टोरी तो मैंने काफ़ी कुछ जगह दिखा चुका हूँ तो कुछ और भी एक जुड़ी हुई स्टोरी मेरे माइंड में चल रही है और म्यूजिक वीडियोज में क्या होता है कि आपको पूरी फिल्म 4 से 5 मिनट के अंदर दिखा देनी होती है सॉन्ग्स में तो वो थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है हमारे लिए तो बस एक चल रहा है बहुत जल्दी क्रिएटिव पार्ट बहुत क्रिएटिव थिंग्स आएगी और मनी जी को भी लेके चल रहा है मेरे माइंड में बट यू बीइंग अ कोरियोग्राफर हु इज द बेस्ट डांसर अमंग डांसर हिमसेल्फ फ्रॉम मनी जी सर हु डू यू टेक डांसर माय अफोर्ड माय डांस नो वन कैन अफोर्ड माय डांस नहीं आपने भी तो डांस किया है रील्स में नहीं किया था उसके बाद कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था समुद्र के एक बूंद है अच्छा अंदर है बहुत भरा हुआ है मैं अंदर से नाच रहा हूं अभी भी देखना पड़ेगा मनीष आपके फैंस बहुत दिनों से आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में वेट कर रहे हैं व्हाट आर द थिंग्स इन द बैक आल्सो सबा मैम योर लास्ट सॉन्ग जोगन वाज वंडरफुल सो व्हाट थैंक यू सो मच वेल आने वाली बहुत सारी चीज़ें आने वाली है फिल्म आने वाली है एक छराव वेब सीरीज आप सबको पता ही है वो भी आने वाली है बाकी लेट्स होप अभी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स की तलाश है कुछ अच्छा मिले करने को कुछ चैलेंजिंग आए लाइफ में करने को बाकी सब कुछ कर चुके हैं यार मतलब आपने देख लिया टीवी में देख लिया ओटीटी में देख लिया फिल्म आने वाली है वो आप देख ही लोगे मतलब अच्छा बुरा सब कर रहे हैं बस कुछ नए की तलाश है लेट्स होप कुछ जाए जल्दी नया आए और ओटीटी किसी अच्छे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए मैं खुद भी सोच रहा हूँ मैं खुद भी लिख रहा हूँ कुछ होपफुली बहुत जल्द मिलूंगा आपको सिर्फ एक्टर नहीं एक्टर एज ए एक्टर एज ए डायरेक्टर एज ए राइटर बहुत सारी चीज़ों के रूप में मिलने वाला हूँ बहुत छुपा हुआ आर्ट है लिखते भी बहुत अच्छा है जी लिखते भी बहुत अच्छा है मैंने लिखा है और पढ़ा भी है जोगर मेरा लास्ट सॉन्ग था सबको पसंद आया उसके बाद मैंने एक अभी एल्बम भी शूट किया है गोवा के गोवा में और वो भी आई थिंक मंथ एंड या नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा इंशाल्लाह इसके अलावा वेब सीरीज़ है सो एक दो प्रोजेक्ट है जैसे जैसे चीज़ें आएंगी क्लियर होगा वैसे वैसे सबको बताया जाएगा इनफैक्ट आप लोग देख लेना ईद की तैयारी कैसे चल रही है ईद की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है बहुत ज़्यादा अभी शॉपिंग बची है मेरी सेवैयाँ खाना है बेस्ट पार्ट होता है ईद में सेवैयाँ सो या तो यू आर ऑल्सो गोइंग ना जब बिकॉज उसके बाद की स्टोरी तो बनानी पड़ेगी ना जट एमला अगर जट और कंपनी मिल चुके हैं तो उसके बाद क्या होगा है थैंक यू स्टार्ट वाला पार्ट थोड़ा काट लेना